पिछले 9 सालों से रैंक नंबर 1 बना रहा IITL लर्न। IITL के कई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया MBBS GMC कॉलेज में, जैसे कि केम हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, कोपर हॉस्पिटल और शिवाजी हॉस्पिटल। नीट 2024 के टॉपर की कामयाबी सुनी। माय नेम इज शेख रिमशा मोहम्मद आरिफ। माय सेल्फ अंसारी मुस्तफा। माय सेल्फ शेख सद फजना। माय नेम इज अंसारी सानिया। माय सेल्फ शेख नदीम। माय स्कोर इज 656 इन नीट 2024 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने नीट 2024 की प्रिपरेशन IITL लर्न से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। आई स्कोर्ड मार्क्स 600 इन नीट 2024। आई हैव स्कोर 611 मार्क्स इन नीट 2024 एग्जाम। आई हैव स्कोर 99.2 परसेंटाइल इन MSTCET 2024। आई डिड माय प्रिपरेशन फ्रॉम IITL लर्न। तो सुना आपने, आप भी ऐसी कामयाबी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धरावी में। आपको बता दें, एक दिन पहले अरविंद की हत्या हो गई थी, जिसके बाद में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया था, नियाज और आसिफ को। जिसके बाद में आज जब अरविंद की बॉडी को ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, तो उस दौरान कुछ उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, जिसके बाद में धरावी का पूरी तरह से माहौल गर्म हो गया। हालांकि धरावी का माहौल गर्म तो हो गया था, मगर इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए खुद DCP तेजस्वी सातपुज मैडम और जो यहाँ के एडिशनल CP अनिल पारस्कर सर, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले में के बाद जिस तरीके से कुछ राजनेता होते हैं जो धार्मिक को अपनी राजनीति और अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए आ जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर कई नेता भी आए थे और कुछ नेता ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, जिसके बाद में धरावी में एक तनाव सी स्थिति बन गई थी। तमाम दुकानें बंद करा दी गई थी। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को काबू में पाने के लिए भारी बल का इस्तेमाल किया, जिसके बाद में अभी धरावी में कहीं ना कहीं शांति बनी हुई है। मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, आप साफ तौर पर देख सकते हैं धरावी का इलाका है जहाँ पर पूरी तरह से शांति बनी हुई है और जो तमाम दुकान बंद करा दी गई थी, कुछ लोग अभी अपनी अपनी दुकान खोलना शुरू कर चुके हैं। पुलिस जो इस पूरे माहौल को कंट्रोल करने के लिए भारी बल का इस्तेमाल कर दी, अभी भी धरावी में भारी बल तैनात करा दिया गया है। अगर मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँ तो आप तमाम तरीके से देख सकते हैं किस प्रकार से जो एक बल तैनात किया गया है, ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके की तनाव की स्थिति ना पैदा हुए। हालांकि ये पूरी घटना क्यों हुई, इसका कारण क्या है, इसको लेकर पुलिस को एक टीम बनाना चाहिए और इस तरीके की होने वाली घटना पे पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि धरावी में अक्सर इस तरीके की आपराधिक गतिविधि होती है, जिसके बाद में इसे धार्मिक एंगल दिया जाता है और एक समुदाय को लगातार टारगेट किया जाता है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपराधियों की सज़ा होती है पूरी तरह से पुलिस उस पर कठोर से कार्रवाई करती है, मगर कुछ नेता जो इस कार्रवाई से असंतुष्ट होकर समाज में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते हैं, पुलिस को ऐसे नेताओं पर ही मामला दर्ज करके उन्हें ठिकाने लगाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के समाज में किसी भी सांप्रदायिकता का कोई जगह नहीं होती है। अब देखना ये रहेगा कि जो यहाँ पर मौजूद आला अधिकारी अनिल पारस्कर सर हो या तेजस्वी सातपुते मैडम हो, किस प्रकार से इस पूरे माहौल को कंट्रोल करती हैं, क्योंकि धरावी में लगातार आपराधिक गतिविधि बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दो तीन सवाल ऐसे खड़े कर दिए हैं कि पुलिस के ऊपर भी सवाल होते हैं और कुछ नेता के ऊपर भी। पहला सवाल तो ये, क्या पुलिस को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, क्योंकि इस चीज़ के अरविंद की हत्या को लेकर लगातार जो कम्युनल एंगल दिया जा रहा था, पुलिस ने इस पूरे जो शिव यात्रा ले जा रहे थे तो उस दौरान पुलिस ने क्यों भारी बल तैनात नहीं कराया, सांप्रदायिकता और तनाव फैलने के बाद ही क्यों पुलिस ने भारी बल तैनात कराया। तमाम तरीके का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, किस तरीके से लोग एक उपद्रव मचा रहे हैं, कहीं ना कहीं साफ तौर पर तस्वीरों में देखने मिल रहे हैं। पहला सवाल ये, क्या पुलिस को इस बारे में ज़रा भी जानकारी नहीं थी या पुलिस इस चीज़ से जानकर भी अनजान बनी हुई थी। दूसरा सवाल, जो ऐसे नेता आते हैं धार्मिक एंगल देते हैं, क्या वो अपनी धार्मिक रोटी सेकने के लिए उन्हें यही क्षेत्र मिलता है। अब देखना ये रहेगा कि धरावी के माहौल तो अभी शांतिपूर्ण बना हुआ है और आने वाले वक्त में क्या कुछ हुआ, हम आपको उसकी भी पुष्टि करके बताएंगे।
कैमरा पर्सन अंबार के सेंस मुंबई टीवी।